नामदुवन सल्लल्लाहु रसूलुल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिक व असहाबिक व अज़वाजिक या हबीबल्लाह। मौजिज़ सामिन गिराम, आज हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं कुछ इस तरह कराऊँगा। शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब पे नकल, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस फलसफे पे अमल पैरा जमीतुल पाकिस्तान के सरबरा, पाकिस्तान मिली एक व्यक्ति कौंसिल के सरबरा, पाकिस्तान की अजीम रूहानी शख्सियत खानकाह रुकनविया व महमूदिया के सजादा नशीन, जामे रुकन इस्लाम के मोहतमिम शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर दामन बरकातुम आलिया हमारे दरमियान हैं। एक वर्स करना चाहूँगा मैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस मुल्क की गालिब अक्सरियत अहले सुन्नत पर मुश्तमिल है। हज़रत जब इलेक्शन होता है तो उसके अंदर अहले सुन्नत के नाम से हम असेंबलियों में ही नहीं पहुँच सकते, और क्या इस हालात में जिस तरह के हमारी मूवमेंट है कि जिस सुस्त रवि का शिकार है, जबकि तरक्की पसंद या लिबरल टाइप के लोग बहुत तेज़ी से उनका असर रसूख माशरे के अंदर बढ़ रहा है, क्या हम तवक्का रख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज हो सकेगा? इस बारे में कुछ नौजवानों को मैसेज के उनको एहसास दिलाया जाए कि आया कि हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और क्या हम जे सामने मेरे भाई अंजुमन तुलबा इस्लाम के इंतहाई अहम मरकज़ी रहनुमाओं में जनाब सैयद अल्लामा के अंजुम साहब दामत बरकातुम आलिया, आपका और मेरा साथ कमोबेश 40 साल का साथ, 35 साल का हमारा साथ है, हम उस दौर से निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिशें कर रहे हैं। तो हमने देखा ये क्या है कि जब स्टार्ट के अंदर हमारी काविशें बहुत तेज़ थी, हमारे काफ़िले मजबूत थे, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है हमारी हमें मजबूत होने के बजाय हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, ये एतराज़ किसी ज़माने में लोग किया करते थे कि साहब देखिए आप कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और लेकिन जो मज़हबी क़ुव्वतें हैं और मज़हबी जमातें हैं वो हमेशा नाकाम हो जाती हैं, इसका मतलब ये लोग चाहते नहीं हैं। तो मेरे कायदे फरमाए, देखिए अगर आप मज़हबी जमातों के वोट अलग अलग शुमार करें तो वो भी काफ़ी बनेंगे, अगर ये सब के सब मिल जाएं तो एक ताकत हो जाएगी। चुनाचे उन्होंने उसको अमली शक्ल दी और सन 2002 के अंदर मुत्तहिदा मजलिस समय बना दी और सबको एक प्लेटफार्म जमा कर अब लड़ो। अब आपने जब लड़ा इलेक्शन, आप हैरान रह जाएंगे कि वो सेकुलर अनासिर जो असेंबली के अंदर किसी एक मौलवी को गवारा नहीं करते थे, किसी एक दाढ़ी वाले को गवारा नहीं करते थे, किसी एक पगड़ी वाले को गवारा नहीं करते थे, 2002 की असेंबली के अंदर मैं भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह हदवा से कामयाब होकर, क्या बाहर नज़र आती थी, ऐसा मानो मस्जिद में बैठे हैं जनाब, दाढ़ियाँ ही दाढ़ियाँ जनाब, पगड़ियाँ ही पगड़ियाँ नज़र आती थी, और उलमा ही उलमा मशाइख ही मशाइख नज़र आते थे, क्या वजह हुई? और आप हैरान होंगे जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ा है, क्या नाम है, वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ा हमने, सिर्फ एक वोट से कामयाब हुआ है हुकूमत का बंदा, और हमारे जनाब इतने यानी इससे आप अंदाजा लगे कितने भारी अक्सर से हम लोग 70 के करीब हमारी सीटें थी और हम कामयाब हो रहे थे। क्यों कामयाब नहीं हुए उसका तो खुद उसने वादी तौर पर क्या नाम है इकरार किया है मुशर्रफ ने कि मैंने इनको कामयाब नहीं होने दिया, वरना वज़ीर आज़म हमारा बन रहा था। मतलब मेरे कहने का ये है कि हमें नाकामी इसलिए होती है कि हम मुंतशिर हैं, अगर मुत्तहिद हो जाएं तमाम के तमाम बिलखसूस मज़हबी क़ुव्वतें तो जो न्यूट्रल होते हैं वो भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं वोट, वो कहते हैं यार हमारा वोट ज़ाय नहीं जाएगा, और जब उनका पता होता है यार ये भी अलग अलग खड़वाएं, ये भी अलग अलग खड़वाएं, इसको भी 100 वोट मिलेंगे, इसको 100 वोट मिलेंगे, इसको 100 वोट मिलेंगे, हमारा वोट ज़ाय जाएगा, और जब किसी को पता होगा नहीं ये 500 वोट मिलकर ये जीत रहा है तो जो न्यूट्रल है वो भी आपको वोट देगा। यही हाल हुआ है सन 2002 के अंदर, सन 2002 के अंदर 70 के करीब आदमी का पहुंचना, उलमा का और मशाइख का और मजहबी क़ुव्वतों को पहुँचना मामूली बात नहीं थी। ये दलील इस बात की कि अमली सबूत इस बात का कि अगर आज भी मजहबी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो जाएं तो पाकिस्तान का दूसरे दिन इस्लामी निज़ाम नाफिज़ हो जाएगा, बशर्ते के इंसाफ के साथ क्या नाम है इलेक्शन हो जाए।
मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के साथ इस्लाम नहीं, क्या नाम है वो, इंतखाबात नहीं होते हैं, उसमें धांधली की जाती है, अपनी मर्जी के आदमी लाने की कोशिश की जाती है, शिकर अनासर पहले से तय करके बैठते हैं कि किसको लाना है किसको नहीं लेना। 18 के इलेक्शन में ये हुआ, 13 के इलेक्शन में ये हुआ, 18 के इलेक्शन के अंदर आप हैरान होंगे, हैदराबाद के अंदर सारी मजहबी जमातें मुझे सपोर्ट कर रही थी, सेकुलर जमातें मुझे सपोर्ट कर रही थी, सिंध के अंदर जिनकी हुकूमती पीपल्स पार्टी उसने भी अपना बंदा बिठा दिया था वो सपोर्ट कर रही थी, लोगों ने तो पहले से मुबारकबादें मुझे देनी शुरू कर दी, वहाँ पता चला कि साहब वो उन्होंने हरा दिया। अरे भाई कोई वजह भी तो और आने की, यानी कुछ अकल में आने वाली बात हो, हमने तो अपनी आंखों से देखा कि दूसरे लोगों के तो क्या नाम है पोलिंग स्टेशन सन्नाटे में पड़े हुए थे, उनके पोलिंग ऑफिस सन्नाटे में पड़े हुए थे, कोई बंदा नहीं था, ये अचानक कैसे आपने किसी को कामयाब कर दिया, ये अलमिया है, ये अलमिया है। और जो अभी तहरीक चली है और उसमें जो नाम आया साहब खलाई मखलूक के, पता नहीं किस किस के नाम आ रहे हैं, तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के साथ और पुरमन इंतखाब शफाफ इंतखाबात नहीं होते हैं। अगर साफ इंतखाबात हों, मुनसिफाना इंतखाबात हों, कौम को हक दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे चुन सकें, तो मुझे यकीन के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि इंशाल्लाह मज़हबी क़ुव्वतें फिर आएंगे मैदान के अंदर और कामयाब होंगी और हुकूमत बनाएंगी इंशाल्लाह जमहूरी अंदाज़। अगर एक छोटा मुख्तसर सवाल जो कौम के नाम पैगाम, एक चीज़ हमें बड़ा अलमिया हमारे माशरे में देखा गया है कि हम सियासी मुखालफत की बुनियाद पर किसी शख्स को बिला तस्दीक कोई भी एजेंट का खिताब दे देते हैं, कादियानी एजेंट है या फला शख्स कादियानी है या फला शख्स ऐसा है दहरिया है, जबकि उसकी इंटरनल तौर पे माशरे के अंदर उसकी हैसियत एक आशिक रसूल की है, लेकिन हम उसको सिर्फ सियासी मुखालफत की बुनियाद पर दहरिया या कादियानी या कादिया एजेंट करार दे दें, इस मामले के अंदर आपका क्या मौकफ है? ना ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, यानी जो गुनाह कबीरा बताए गए हैं इस्लाम के अंदर कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को कत्ल करना बहुत बड़ा, ये गुनाह कबीरा कहलाते हैं, उन गुनाह कबीरों में से है ये किसी पर तोहमत लगाना और इल्ज़ाम लगाना, और इसकी सज़ा इस्लाम ने मुकर्रर की है। लेकिन इस्लामी निज़ाम होता तो यहाँ किसी की हिम्मत होती कि इस तरह का इल्ज़ाम लगा सके, और जिस पे चाहे जो जनाब जिसको चाहे को काफिर बना दे, जिसको चाहे कादियानी बना दे, जिसको चाहे जनाब वो यहूदी बना दे, भाई आपके पास कोई सबूत हो तो आप दीजिए, और एक बाकायदा इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी निज़ाम के अंदर बाकायदा एक अदालत हो, अदालत के अंदर आप पेश करें कि साहब मेरे पास ये सबूत है, अदालत फिर उससे पूछे, उसको बुला के पूछो क्या वाकई आपने किया, ये तरीका होता है इस्लाम। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है ना, या तो कोई कानून ही नहीं, या तो ये इल्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो मार के और क्या नाम है सरे आम कत्ल करके चले जाते हैं, और वीडियो आती है और लाखों नहीं करोड़ लोग उसको देते हैं, वो बरी हो जाता है, तो यहाँ इंसाफ कहाँ है यहाँ? लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा गुनाह है एक के बग़ैर किसी तहकीक के बात कह देना, और ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। मेरे आका सरवरे दोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम किसी को काफिर कहोगे और वो काफिर नहीं हुआ तो कुफ्र लौट कर तुम्हारी तरफ आएगा। इससे बड़ी बात क्या होगी, इससे बड़ी वहीद क्या होगी कि हम काफिर हो रहे हैं किसी को काफिर कह, वो काफिर नहीं हो रहा, अगर वो काफिर नहीं है और तुम काफिर कह रहे हो तो हुज़ूर कह रहे हैं कुफ्र लौट कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई वहीद नहीं हमारे लिए कि अबदी जहन्नम का हम सौदा कर रहे हैं किसी पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगा कर। एहतियात करनी चाहिए इस मामले के अंदर, अगर कोई किसी के पास सबूत नहीं है किसी का और सिर्फ ज़ाती इनाद की बुनियाद पर बाज़ा फिर सियासी तौर पर भी किसी को करने के लिए। कल एक साहब मुझे बता रहे थे कि एक जगह वाक़ हुआ है वहाँ किसी जगह पर, तो वहाँ यही वाक़ हुआ कि उसने कहा कि यार ये तो बड़ा ताकतवर ग्रुप है और इलेक्शन के अंदर तो ये जीत जाएगा, अब क्या करूँ मैं, चुनाचे उसने बकायदा उस पर एक इल्ज़ाम लगवाया किसी चीज़ का तोहिन का, और तोहिन का इल्ज़ाम लगा के ओ जनाब आग लग गई सारी की सारी उसने, और बाद में जब तहकी हुई तो पता चला वो तो अपनी सियासी तौर पर मार, क्योंकि वो हर तरह से कामयाब जा रहा था पैसे के लिहाज से भी हर लिहाज, उसने कहा ये वाहिद तरीका है कि इस्लामी मार मारो और इसको इल्ज़ाम लगाओ इसको। लेकिन देखिए ना इनको ये शर्म नहीं आती ऐसे सियासी लोगों को जो इसके अंदर अजमत मुस्तफ़ा अजमत दीन अजमत का सौदा कर रहे हैं ना, वो तो बशर बिसमनी बख्शिंदर मादूद कुरान कहता है कि खोटे सिक्कों पर सौदा कर लिया हज़रत यूसुफ के भाइयों ने, तो खोटे सिक्कों पे सौदा कर रही है, तो इस किस्म का नहीं करना चाहिए, अपनी सियासत के लिए मज़हब को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सख्त तरीन गुनाह है। बहुत शुक्रिया हज़रत। हमारे इंतहाई मौज़े अंजुमन तुलबा इस्लाम के पाकिस्तान के साबिक रहनुमा
जमीतुल्लाह पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हज़रत अल्लामा सैयद अकील अंजुम साहब यहाँ तशरीफ फरमाएँ, इनकी गुजारिशात बस हालात हाजरा पे गुफ्तगू आपसे बस इतना अर्ज करता कि करना था आपसे पूछना था कि अकील भाई आपने एक अरसा नौजवानों की तहरीक की क़यादत की और माशाल्लाह आपका दौर मुझे आज भी याद है कि कराची तक खंजराब तक अंजुमन तलबा इस्लाम के डंके बड़ा बजा करते थे जब आप मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, तो क्या फी ज़माना आप जो है नौजवानों के लिए आपकी क्या सोच है कि उनको किस तरह इस तरह पॉजिटिव तंजीमों की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाए उनको, जिस तरह इस वक्त फी ज़माना तलबाओं की तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम या नौजवानों की जमात अंजुमन नौजवान इस्लाम पाकिस्तान, इसमें नौजवानों को अगर हम रग़बत दिलाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है, उनको किस तरह उन नौजवानों को दावत दी जाए कि वो आएँ और इस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले का हिस्सा बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया मलिक नज़ीर भाई कि आपने मुझ जैसे तालिब इल्म को भी स्लाइड समझा कि मैं अपनी चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। मेरे मोहतरम कायद डॉक्टर अब्दुल्खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इस उनवान पर की, ख़त्म नबूवत के हवाले से की। बात यह कि नौजवान किसी भी मिल्लत किसी भी कौम का अजीम तरीन सरमाया होते हैं, तालिब इल्म किसी भी मिल्लत का किसी भी कौम का अजीम तरीन सरमाया होते हैं। जिन तहरीकों में यंग ब्लड शामिल न हो वो तहरीकें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान को भी, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा को भी नौजवानों की तालिब इल्मों की शदीद तरीन ज़रूरत है। और अगर आप इस्लाम की तारीख का आप मुतालिया फरमाएं तो आप देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को इब्तदाई तौर पर कबूल करने वालों में मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा एक यंग थे, हज़रत उसामा बिन ज़ैद यंग थे, जवान थे। इन लोगों ने अपनी इब्तदाई उम्रों में दीन की दावत को कबूल किया और इस दीन के लिए जद्दोजहद की। तो इस सरमाए के हुसूल के लिए नौजवानों को इस तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए उनमें इस एहसास की बेदारी की ज़रूरत है कि आपकी पैदाइश का मकसद क्या है, अल्लाह ने आपको क्यों तख्लीक किया है, क्या आप कोई महज एक जानवर हैं या आपकी ज़िंदगी की कोई मकसदियत है। अगर ये मकसदियत हम नौजवानों को समझाने में कामयाब हो गए, तालिब इल्मों को समझाने में कामयाब हो गए कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है जो कुरान ने बयान किया, जो सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है, जो सीरत सहाबा से और सीरत अहले बैत से पता चलता है कि ग़लबा दीन किसी भी मोमिन किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान जब से बना, देखिए पाकिस्तान बन तो गया एक इस्लामी रियासत के तौर पर, लेकिन पाकिस्तान को किसी सरदार अब्दुलरब नश्तर साहब ने कहा था कि नारंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। तो पाकिस्तान के अंदर लिबरल लोग उस वक्त से लेकर, आप ज़रा गौर फरमाइए, पाकिस्तान बना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके सरबराह हैं, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो कादियानी है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो क्रिश्चन है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो क्रिश्चन है, पाकिस्तान के बहुत सारे अहदों पर बैठे हुए लोग सेकुलर मैंटेलिटी रखते हैं और वो सेकुलर मैंटेलिटी आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। गोरा अंग्रेज़ चला गया, काले अंग्रेज़ हमारे सर पर मुसल्लत हैं जो पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनने नहीं देते। वही लोग हैं, देखिए गौर फरमाइए, ये जो पाकिस्तान की जो 70-74 साल की तारीख है इसके अंदर या तो पाकिस्तान के ऊपर इख्तदार सेकुलर लोगों को रहा या पाकिस्तान में इख्तदार जर्नलों का रहा, पाकिस्तान में कभी भी मजहबी लोग इख्तदार के अंदर नहीं आए, तो फिर उनको नाकाम नहीं कहा जा सकता, उन्हें अभी तक मौका ही नहीं मिला है, वो हिज्ब इख्तलाफ का हिस्सा रहे हैं, वो महरूम रहे हैं, वो वसाइल से महरूम रहे हैं, तो वो लोग आज तक कोई किरदार इसलिए अदा नहीं कर सके कि वो कमज़ोर थे। आज पाकिस्तानी कौम हमें मौका दे, और साथ में ये बात भी मैं अर्ज़ करूँ कि दीनी वोटों को अगर हमें यूटिलाइज़ करना है तो तमाम दीनी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए जद्दोजहद करनी होगी, और मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए से ही हम जो है पाकिस्तान के अंदर कानून साज इदारों के अंदर जा सकते हैं। और अहम तरीन बात यह है, देखिए ये बात को भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में ये एक बात है कि पाकिस्तान में मजहबी सियासी जमातों को कमज़ोर किया जा रहा है साजिश के ज़रिए, डिवाइड एंड रूल के उसूल के तहत दीनी जमातों को दीनी तबकात को तकसीम किया जा रहा है।
लेकिन पाकिस्तानी सियासत से कभी भी मजहबी फैक्टर ख़त्म नहीं हो सकता। वो मजहबी फैक्टर कभी मुमताज़ कादरी की सूरत में, कभी मौलाना खादिम हुसैन की सूरत में, उनके जनाजे की सूरत में दुनिया के सामने नज़र आता है कि पूरे पाकिस्तान के सेकुलर एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अमेरिका के, रशिया के, चाइना के तमाम तर वसाइल इख्तियार कर लें, लेकिन इतने लोग नहीं जमा कर सकते जितना एक जनाजा पाकिस्तान में एक मजहबी शख्सियत का जनाजा अहले ईमान को जमा कर लेता है। तो नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि अपने मकसद ज़िंदगी को पहचानें, और जब वो अपने मकसद ज़िंदगी से आशना हो जाएंगे, उन्हें अपने मकसद ज़िंदगी की मारिफत हासिल हो जाएगी, तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की मंजिल हमसे करीब तर हो जाएगी। हमें नौजवानों को पैगाम देना चाहिए कि वही जवां है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी, और अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमें इस बात का शऊर और आगही हमें भी होनी चाहिए और हमें नौजवानों तक भी पहुँचाना चाहिए। हम लामकसदियत का शिकार हैं, हम पर मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी ऐसी चीज़ें मुसल्लत कर दी गई हैं कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। इसके लिए हमें जहद मुसलसल की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया मौजूद सामीन इकराम। जैसा कि आपके ने देखा, आज के इस प्रोग्राम में मुमताज़ रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामन बरकातुम आलिया, और मुमताज़ आलम दीन साबिक तालिब इल्म रहनुमा जनाब अल्लामा अल सैयद अकील अंजुम साहब आज हमारे साथ थे, और काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हुई। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है आप तमाम हज़रात को ये चीज़ पसंद आएगी, और हमारी कोशिश होगी ब्रॉडकास्टिंग की कि इंशाअल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उल्मा को जमा करके उनका नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करें। हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद इस पाकिस्तान में फ़िरका वारियत, लसानियत, कौम परस्ती का खात्मा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।